रमजान के पाक महीने के बाद आज फिर फरीदाबाद में ईद उल फितर पर नमाज अदा की गई, जिसमें हजारों लोगों ने अपने वतन हिंदुस्तान और पूरे आवाम में शांति सौहार्द और आपसी भाईचारे के लिए दुआ की। जश्न के इस दिन पर सभी ने मस्जिद में एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद पर मौलवी ने कहा कि ईद अमन और मोहब्बत का पैगाम देती है, लोगों को अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, सभी धर्म के लोगों का एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। आज ईद का दिन रमजान के पूरे 5 महीने का सरदार होता है। सर क्या नाम है आपका? मौलाना मोहम्मद मुबारक है। मौलाना साहब आज ईद का दिन है, ये कौन सी ईद है और किस तरीके से महत्व रखती है? ये है ईद उल फितर का दिन है जी, और ये हमारे पूरे देश के लिए मोहब्बत का पैगाम देती है। हमारा ईद उल फितर का जो त्यौहार है ये पूरे देश के लिए ये संदेश देता है कि हमें देश के अंदर सारे आपस में मोहब्बत के साथ और भाईचारा के साथ में रहना चाहिए जी। तो आज जो ईद का दिन है वो पूरा दिन भर किस तरीके की प्रक्रिया रहेंगी, किस तरीके से दिन हम इस तरीके से रहेंगे, एक दूसरे से मुबारकबाद देंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के घर जाएंगे, और हमारे यहाँ त्यौहार हो या गैर त्यौहार हो पूरे साल ये एक दिन में एक ऐसी मोहब्बत जताते हैं हम कि पूरे साल फिर हम ना मजहब को देखते हैं, ना धर्म को देखते हैं, ना बिरादरी को देखते हैं, पड़ोस हो बस्ती में कोई भी हो हम सबको एक साथ लेकर के चलते हैं और हर घर पे हम जाते हैं। आज पूरा दिन हमारा यही मशगला रहेगा, हर घर पे जाना है, एक दूसरे को अपने पास में बुलाना, खाना खिलाना और दूसरे के यहाँ जा कर के दावत खाना, एक मोहब्बत का पैगाम सारे दिन इसी तरीके से रहे। तो ये महत्व क्या रखती है, जिस तरीके से ये जो आपकी जो ईद है ये जो महत्व क्या रखती है, क्या ये हमारा जो आज का दिन है ये मकाम रखता है कि सारे दिनों के एतबार से आज का दिन सारे दिनों का सरदार है, सारे दिनों से सबसे अफजल और बेहतर दिन है आज जी। तो जो ईद का जो दिन है जो नमाज अदा की जाती है वो किस तरीके से, क्या समय रखा गया है, किस तरीके से की जाती? हमने अपने यहाँ आशियाना मस्जिद में सेक्टर 62 बल्लभगढ़ में जो नमाज का वक्त रखा है 8:30 बजे नमाज का वक्त रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ दूर दराज से आसपास के इलाके के सारे लोग यहाँ नमाज में आते हैं, उनको दिक्कत और परेशानी ना हो, इसकी वजह से 8:30 बजे नमाज का वक्त रखा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।